इसराइल पर पिछले साल हुए हमास के ताबड़तोड़ हमलों की पहली वर्षगांठ पर ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों ने इसराइली इलाकों में जमकर हमले किए। हमास से लेकर लेबनान के हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले कर पहली वर्षगांठ के जख्मों को कुरेदने का काम किया। इस कड़ी में यमन का हूती भी पीछे नहीं रहा। हूती के लड़ाकों ने एक एक कर कई मिसाइलों से इसराइल को दहलाने की कोशिश की। इस दौरान हूती ने इजरायली इलाकों में सटीक हमले करने का बड़ा दावा भी किया। हूती ने अपनी ताकत को दिखाते हुए एक बार फिर इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जो इजरायली एयर स्पेस में जा घुसी। हूती ने हमास के इजरायल पर हमलों की पहली बरसी पर इजरायल को तगड़ा झटका दिया है। हूती विद्रोहियों ने इस मौके पर इजरायली राजधानी तेल अवीव पर नई मिसाइल समेत दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार नाम की मिसाइल से इजरायल पर हमले को अंजाम दिया गया। यमन आर्म फोर्स के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टि की है। نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد. الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين، الأول نوع فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفه، والثاني بصاروخ ذي الفقار وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي وقت سابق اليوم أطلق سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عددا من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة يافا ومنطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بطائرات نوع يافا وصماد 4، وقد نجحت عدد من تلك الطائرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله. हूतियों के हमले में ये पहली बार है जब यमन के प्रतिरोधी गुट ने 2000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल जुल्फिकार को दागा है। इतना ही नहीं, हूती लड़ाकों ने इससे पहले कई याफा और समद 4 ड्रोन के साथ तेल अविव और सबसे दक्षिण हिस्से के ईलट बंदरगाह को निशाना बनाया था। समूह ने दावा किया कि कई ड्रोन सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में सफल रहे हैं। हूती ने कहा कि उसके लड़ाके तब तक अपने अभियान को जारी रखेंगे जब तक इसराइल गाजा और लेबनान में एक साथ की जा रही घेराबंदी को खत्म नहीं कर देता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पिछले साल इसराइल को निशाना बनाकर 220 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें से अधिकतर मिसाइलें दक्षिणी इसराइल को निशाना बनाकर दागी गई हैं। वहीं इजरायली सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि इसराइल के एयरो डिफेंस सिस्टम ने यमन से आई मिसाइल को रोकने में कामयाबी हासिल की है। इजरायली एयर स्पेस के बाहर ही हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन उसके छर्रे गिरने के चलते सेंट्रल इसराइल में जोरदार सायरन बजने लगे और कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई है। हालांकि हूती लड़ाकों ने इसराइल पर अपने ताजा हमलों को सफल और सटीक बताया है। वहीं यमन के टॉप पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अली अल हूती ने अपने लड़ाकों की जमकर तारीफ की है। फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में लड़ाकों के इसराइल पर हमलों की यमनी आर्म फोर्स को बधाई दी है। इस दौरान अल हूती ने इसराइल को बड़ी धमकी दे डाली है। यमनी नेता ने कसम खाते हुए कहा कि हूती लड़ाके आने वाले दिनों में इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार करेंगे ताकि फिलिस्तीन के लोगों ने जो सहा है उसका स्वाद इसराइल भी चख सके। मिसाइलों की अंधाधुंध बारिश आने वाले दिनों में इजरायली इलाकों को निशाना बनाकर की जाएगी। मिडिल ईस्ट रीजन में अमेरिका कभी भी अपना नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा है। अमेरिका का इजरायल को समर्थन फिलिस्तीनी लोगों को डराने में विफल रहा है।